तो भेड़िया का ट्रेलर देख के आई वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी एंड फाइनली मूवी देखने के बाद आई वॉज एक्चुअली अमेज्ड। मैं इसको एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी समझ रहा था जो कि फुल एंटरटेनमेंट से भरा हुआ थिएटर एक्सपीरियंस देगी, बट एक्चुअली में इट टर्न आउट टू बी मोर देन दैट एंड आई रियलाइज दैट विद द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडियन सिनेमा दिस मूवी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मूवी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल, मेरा नाम है साकिब और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाई भेड़िया इज एन इम्पॉर्टेंट मूवी फॉर द इंडियन सिनेमा एंड व्हाई इट नीड्स टू बी सक्सेसफुल। वीडियो शुरू करने से पहले डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर तुम चैनल पर नए हो, ताकि ऐसे ही पॉप कल्चर से रिलेटेड बढ़िया वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूं। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। द कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसे एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी समझ के देखने गया था। इनफैक्ट ट्रेलर आने के बाद इसे राहुल रॉय के जुनून से कंपेयर किया गया था एंड ये तक कहा गया था कि राहुल रॉय डिड इट बिफोर इट वाज कूल। बाय द वे, इस मूवी में जुनून का रेफरेंस है। बट द ट्रुथ इज, अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इट इज अ रियली वेल रिटन कॉन्सेप्ट, जहां पे हमारा हीरो भास्कर एक माइंडलेस वेयरवुल्फ बन के किसी को भी हंट नहीं करता, बल्कि उसके वेयरवुल्फ बनने के पीछे एक पूरा सेटअप है, एक ओरिजिन स्टोरी है, एक अर्बन लेजेंड, एक मकसद है। तो एक्चुअली में मुझे ये काफी इंप्रेसिव लगा कि एक वेयरवुल्फ जैसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे ज्यादा इनोवेशन के लिए रूम नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वेयरवुल्फ्स को आज तक पॉप कल्चर में एक डेंजरस प्रेडेटर के रूप में दिखाया गया है जो कि बस खून का प्यासा है। अलग मूवीज में अलग स्टोरीज हैं, बट वेयरवुल्फ का बेस यही रहता है। वहां पे एक ऐसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आगे भी एक्सपेंशन के दरवाजे खोलता है और हमें अपनी सीट से बांध के रखता है, बिकॉज वी नो कि इसकी एंडिंग वो नहीं जो हम सोच रहे हैं, एंड इट एक्चुअली मेक्स अस क्यूरियस फॉर द कंक्लूजन। द विजुअल एस्पेक्ट्स, ऑब्वियसली ये वो पॉइंट है जिसके बिना भेड़िया के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसा है जैसे टायर के बिना कार चलाना। लोकेशंस, कैमरा वर्क, लाइटिंग, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। इनफैक्ट लाइटिंग इस मूवी के मूड और सीन की इंटेंसिटी को सेटअप करने में और ऑडियंस को फिल्म के एटमॉस्फेयर में इंडल्ज होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज फिल्म मेकिंग में लाइटिंग एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसका रोल सिर्फ ये नहीं होता कि आपको स्क्रीन पे चीजें दिखें, बल्कि एक पर्टिकुलर सीन को देख के आपको कैसा फील होना चाहिए, इसमें लाइटिंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट लाइट मेक्स यू फील चीयरफुल, वेयर एज डार्क एंड शेडोई लाइट इंटेंसिटी और मिस्ट्री वाला मूड लाती है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इज समथिंग जो कि इंडियन सिनेमा में कुछ ही फिल्में फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज करती हैं। CGI और VFX की बात करूं तो दैट इज समथिंग जो कि सिर्फ कुछ शॉट्स में नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी मूवी में बेहतरीन है। स्पेशली द अटेंशन टू डिटेल इज कमेंडेबल, फिर चाहे वो भेड़िया के ऊपर माइन्यूट डिटेलिंग हो, उसके फर सिमुलेशंस, उसके मूवमेंट्स, यहाँ तक कि उसके मुंह पे या फिर नाक पे चिपकी हुई लार, या फिर और भी जो CGI एनिमल्स इस मूवी में हैं, उनका रियल एनवायरमेंट के साथ ब्लेंडिंग और इंटरेक्शन, इट नेवर फील्स जारिंग टू द आई। इनफैक्ट इट मेड मी वंडर कि 85 करोड़ में बनी भेड़िया ने एक बेटर CGI एनिमल बनाया दैन RRR जो कि 300 करोड़ में बनी थी। स्पेशली क्लाइमैक्स में जब भास्कर फाइनली अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है और उसे एम्ब्रेस करना सीखता है, उसका जो विजुअलाइजेशन किया गया है दैट इज समथिंग जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड इट जस्ट लुक्स अमेजिंग एंड समथिंग यू डोंट वांट टू मिस एट द बिग स्क्रीन। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मूवी विद रिगार्ड्स टू बॉलीवुड एंड द इंडियन सिनेमा ओवरऑल। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जहां इनोवेशन के लिए ज्यादा रूम नहीं मिलता। इनफैक्ट ये एक ऐसा जॉनर है जो इंडियन सिनेमा में अच्छे से एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, बट भेड़िया एक्चुअली में एक ऐसा अटेम्प्ट नजर आता है जो ना कि सिर्फ फुलफिलिंग लगता है बल्कि देख के समझ आता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फिल्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ फिल्म एंड कैशिंग ऑन द हाइप ऑफ वेयरवुल्फ कॉन्सेप्ट, यहां एक्चुअली में मूवी पे मेहनत करी गई है, फिर चाहे वो माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल्स हो, लॉजिकल प्लॉट होल्स को अवॉइड करना हो, या फिर सिंपली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से रिसर्च करके उसको स्किलफुली एग्जीक्यूट करना हो इन ऑल डिपार्टमेंट्स। इनफैक्ट दिस मूवी डज फील लाइक अ सुपर हीरो ओरिजिन मूवी, एक सुपर हीरो जो कि इंडियन माइथोस के बैकड्रॉप में बेस्ड हो और ना कि वेस्टर्न सुपर हीरोज को रेप्लिकेट करता हो। द ओनली थिंग दे लैग बिहाइंड इज द मार्केटिंग, जहां मूवी को मार्केट किया गया एक हॉरर कॉमेडी के रूप में, एंड ऑब्वियसली मेरी तरह तुम इसे स्त्री जैसी एक फुल फ्लेज्ड हॉरर कॉमेडी समझ के देखने गए, बट एक्चुअली में ये एक सीरियस मूवी है जो कि एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग मैसेज देती है एनवायरमेंट के बारे में। एंड और भी ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि रेशियल स्टीरियोटाइपिंग, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में फर्क, जहां ओल्ड जनरेशन प्रेफर्स टू स्टिक टू सिंपल लाइफस्टाइल एंड रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एंड द न्यू जनरेशन रन्स बिहाइंड मनी एंड अदर मटेरियलिस्टिक पोजेशन, और उसे पाने के लिए वो क्या नुकसान कर रहे हैं डजंट मैटर।
इन थीम्स को इतने अच्छे से मूवी के नैरेटिव में ब्लेंड किया गया है कि यू वोंट फील दैट ऑल दिस इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन यू। एंड मोर ओवर, ये शुरुआत है हमारे वेरी ओन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, जो कि एक्चुअली में प्रॉमिसिंग दिखता है। एंड विद मैडक फिल्म्स ऑन द चेयर, जिनकी फिल्मोग्राफी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, हम बेफिक्र हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई भेड़िया नीड्स टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये मूवी अपने आप में एक अलग कल्ट की शुरुआत है मूवी जॉनर में। एक कल्ट जो हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, बट अब इंडियन सिनेमा में भी एक रिमार्केबल एस्टैब्लिशमेंट का पोटेंशियल रखता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसी लगी तुम्हें वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।